सलाम नमस्ते, एक नए वीडियो में सीधा फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं पूरा फैमिली के साथ में अपने गांव चला आया हूं। तो गांव आने का पहला कारण जो है वो मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है 22 मार्च 2022 को, तो इसलिए हम लोग सभी परिवार काठमांडू से चल करके अब बिहार पहुँच गए हैं। और शादी से पहले एक पर्व हम लोग को नसीब में था, तो इस पर्व को मैं पिछले मतलब अपने गांव में कब मनाया था ये मुझे याद अब तक नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी मैं बोलूँ, 12-15 साल प्लस हो गया होगा मुझे गांव में कोई भी पर्व किए हुए, तो ऐसे में मैं ये पर्व गांव में कर रहा हूँ आज, जिसका नाम है शबे बारात। शबे बारात में क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज जो बीत गए हुए हैं उन लोगों के लिए मफिरत यानी कि उन लोगों को क्षमा के लिए दुआ करनी होती है, जो दुआ रात में हम लोग स्टार्ट करेंगे। रात में कुरान शरीफ यानी कि मुस्लिम ग्रंथों में सबसे जो पाक ग्रंथ है उसको कुरान बोला जाता है। तो ये मेरे बैकग्राउंड में कुछ मेरे गांव का सीन है, मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा आज रात में क्या क्या होने वाला है। तो इस त्यौहार को लेकर के मेरी जो कई सारी यादें जो है बचपन से जुड़ी हुई थी वो आज ताज़ा हो गई है। हम लोग क्या करते थे ना, बचपन में एक प्लास्टिक का थैली ले लेते थे, और इस त्यौहार में मोस्टली क्या होता है कि हलवा वगैरह जो है वो थोड़ा ज़्यादा बनता है, जैसे कि सूजी के हलवे हो गए और चना दाल के हलवे हो गए, और भी कई सारे की वैरायटी जो हलवा होते हैं वो बनाई जाती है इस त्यौहार के ऊपर। बचपन में किसी को क्या ही आइडिया रहता है क्या करना है नहीं करना है, बस अपने दोस्तों के साथ में प्लास्टिक लिए और प्लास्टिक के थैली में हरेक घरों में जा जा करके वहाँ से हलवा इकट्ठे करना और उसको 2-4 दिन तक खाते रहना, और स्कूल में भी लेकर के जाते थे, अपने दोस्तों को बांटते थे, शेयर करते थे, अरे यार ये हलवा है ले खाओ, टेस्ट कर कैसा है। और यही जो चीज़ है वो मेरे दिमाग में याददाश्त के तौर में बस गया था। तो जैसे मुझे पता चला था कि शबे बारात भी नज़दीक में है, तो मैं अपना टिकट 2 दिन पहले ही करवा लिया। 2 दिन में क्या कुछ कर लेंगे यार, ज़िंदगी भर तो कमाना खाना है ही, लेकिन ये जो मेन ये जो पर्व है अपने परिवार के साथ में, सब परिवार के साथ में अपने गांव में मनाना, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब हैप्पी मोमेंट होने वाला है आज का रात जो है। और कई सारे जो बदलाव हुए हैं इस गांव में देख सकते हैं आप, मेरे पीछे में मेरा गांव है। पहले खपड़ेल की जो घरें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, अभी महल वगैरह आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मेरा जो ये घर है ये मेरे बाबूजी शायद 2008 या 2009 में बना करके इसको कंप्लीट कर चुके थे, तो ये मेरा थोड़ा सा पुराना ही है। बाकी और फिनिशिंग वगैरह देख रहे हैं, कुछ फिनिशिंग के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग रहते भी नहीं हैं यहाँ पे, और फिनिशिंग करके मतलब छोड़ दे तो फिर बाद में जब रहना होगा तो वो डबल खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए हमने फिनिशिंग वगैरह नहीं कराया हुआ है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब फिनिशिंग भी करवा लिया जाएगा। तो अब ये चीज़ रहा मतलब अपने गांव के बारे में। तो अब ये खास इस त्यौहार के ऊपर हम बात करते हैं। तो इस त्यौहार में क्या होता है कि पहले जो हलवा वगैरह होते थे बांटते थे, बनाते थे लोग और बांटते थे, एक दूसरे के घर में जाकर के खाना वगैरह खाते थे, लेकिन अभी का क्या माहौल है वो मुझे पता नहीं है। अब रात होगा उसके बाद ही पता चलेगा वो खान पीने वाला सिस्टम अब भी है या नहीं है। हालाँकि मैंने मम्मी से पूछा है तो मम्मी बोल रही थी कि हलवा बनाएंगे, और हलवा कैसे बनता है ये तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हलवा बन करके तैयार किस प्रकार का हो जाता है बनने के बाद में वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और बच्चे लोगों को भी मतलब हम लोग जिस तरह से थैली लेकर के घूमते थे बचपन में, अभी भी कुछ बच्चे अगर ऐसा लेकर के घूम रहे होंगे तो मैं उन लोगों का जो वीडियो होता है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा, ज़रूर शेयर करूँगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मैं छत के ऊपर आकर के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंदर में थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम है और काम वगैरह भी हो रहा है अंदर में, कुछ शादी के लेकर के तैयारियां जो है वो हो रही हैं, तो शादी के लेकर के तैयारियां जो है वो नीचे में हो रही है, तो इसलिए मैं छत के ऊपर आकर के वीडियो बना रहा हूं ताकि हमारा वीडियो भी बन जाए और हमारा एक टॉपिक भी मिल जाए। तो थोड़ा सा क्या है कि सिस्टर की शादी से रिलेटेड जो तैयारियाँ है पंडाल वगैरह बनना, वो बाँस वगैरह जो गाड़े हुए हैं मैं चाहता हूँ आप लोगों को उस बाँस वगैरह का भी थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दे दूँ। तो इस बाँस वगैरह का व्यू आप लोग देख लीजिए, और शाम में जैसे ही शाम ढलती है और क्या सिस्टम रहता है शबे बारात का वो सिस्टम आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है।
और ये रहा सूजी का हलवा, जो कि कढ़ाई में बनने के बाद में इसको एक बड़ा सा प्लेट में चिपटा करके उसके बाद इसका कटिंग किया जाता है ताकि हाथ में आसानी से ले करके खाया जा सके। और ये रहा चना दाल का हलवा, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, मुझे एक्चुअली चना दाल का जो हलवा है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मेरी माँ इसको कटिंग कर रही है और मेरी माँ इसको कटिंग करके इसका फाइनल शेप दे रही है। और जैसे ये गर्म रहता है चना दाल या सूजी का जो भी हलवा है, तो इसको आप गर्म में ही इसको चिपटा करना पड़ता है ताकि ये ठंड होने के बाद में इसका शेप ना बिगड़ जाए। ठंड होने के बाद में क्या होता है कि आप इसको मतलब काट नहीं सकते हैं, तो इसको गर्मा गर्म ही मतलब चिपटा करने के बाद काट ले ताकि आसानी रहे। तो यहाँ पर फटाफट हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है रात का। तो दोस्तों रात का जो समय था वो कुछ खास नहीं था, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा अपने आसपास में, अपने घर के आसपास में, कि बच्चे लोग प्लास्टिक लेकर के हलवा के लिए जाए। तो यहाँ पर बच्चे लोग जो है शायद सो गए हैं या पता नहीं, मेरे घर के आसपास में ऐसा सीन देखने को नहीं मिल रहा है जो हम इमेजिन कर रहे थे बचपन में कि हाँ इस तरह से मतलब सभी बारात को मनाया जाता है, लोग बच्चे जो है इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो सॉरी, आपको मैं जो सीन एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं दिखा पाया हूँ। तो अगले सुबह मैं जैसे घूमने निकला था तो मेरे गांव के पास में ये बड़ा सा एक तालाब है, बचपन में हम लोग इसमें मछलियाँ मारते थे और नहाते भी थे, लेकिन अभी थोड़ा गंदा हो गया। और यहाँ पर देखिए सुबह का माहौल है, तो ये बड़ा शिकार करने निकले, जैसे कि बड़ा मछली, ऐसे बड़े जो बंसी का साइज़ जो है वो जो बड़ा होता है, और इसमें मछली को फंसा करके, छोटे मछली को फंसा करके बड़े मछली का शिकार किया जाता है। और मेरी बेटी यहाँ पर, छोटी वाली बेटी आलिशा, शहर में तो इन लोगों को मिट्टी मिलता नहीं है, गांव में जैसी मिट्टी मिला है देखिए खेलने का माहौल इसको, मतलब दिन भर खाना पीना सब छोड़ के मिट्टी में लगी हुई है। जैसे ही मिट्टी से हम इसको निकाल रहे हैं रोने लगती है, और मिट्टी खेलते के वक्त में देखिए हंस रही है। तू बजा अंदर, पहले तोरा पसे, तोरा पसे, अब दे मेन कलाकार यहाँ पर है, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, सरकार से तुम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगा। और ये मेरे गांव का मस्जिद, जुम्मा का जो नमाज होता है, फ्राइडे का जो सेलिब्रेशन होता है नमाज का, वो नमाज पढ़ के हम लोग बाहर निकल गए थे, और हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो सभी नमाज पढ़ के बाहर निकलते हुए। और ये मस्जिद का जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये नया बनकर तैयार हुआ है, बाकी इसकी फिनिशिंग जो है रंगाई और प्लास्टर का जो काम है वो अभी बाकी है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और आगे ये भी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा रंगाई पुताई का जो काम है। काफ़ी प्यारे लोग हैं, मतलब जुमा का नमाज़ पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक होते हैं लोग कि मत पूछिए, होना भी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला सभी मुसलमान भाइयों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। यही गलियां है जिन गलियों में हम बचपन में खेला करते थे, और ये गलियां अभी जो है पक्की देखने को मिल रही होगी, देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले क्या थी कि मिट्टी की हुआ करती थी, और दोस्तों के जिसमें पे मिट्टी उड़ाना और वो हम पे उड़ाते थे, यही खेला होता था। और यहाँ पर है, और इस गली में हमारे मौसी का घर, अस्सलाम वालेकुम, सही है, ये रहे हमारे तबरेज जी, ठीक है, खैरियत है। और यही गलियाँ हैं, इस गलियों को देखिए, कई सारी यादें जो है इससे जुड़ी होती है हर एक इंसान की, जिसे अपने गांव से लगाव होता है। तो देख सकते हैं बच्चे लोग अपने जो कीमती समय है उस कीमती समय में खेलते हुए, खेल लो भाई लोग,
फिर ये मौका नहीं मिलेगा खेलने के लिए। और गांव में, हरे गांव में क्या होता है कि एक जो है किराना का दुकान होता है, इसी प्रकार हमारे गांव में भी सलाउद्दीन भाई का किराना दुकान है यहाँ पे। और गांव में जो छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती है वे सभी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। गांव के लोगों को मतलब शहर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है वो यहाँ पर मिल जाता है। तो शुक्रिया सलाउद्दीन भाई का, जिन्होंने गाँव वालों का ख्याल रखते हुए इस गाँव में दुकान किए हुए हैं अपने घर में। तो दोस्तों, अब अपने गांव का ब्लॉग मैं इतना ही रखूंगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद आ गया होगा तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा।